हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम लोग, और आप देख रहे हैं वियर्ड व्लॉग। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हुई है यूट्यूब के अंदर, जो कि जिस प्रॉब्लम का नाम है स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रॉब्लम, जो कि आजकल आपको देखने को मिल रही होगी, जिसके अंदर कि आप 480 से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं चला सकते, चाहे वो कितनी भी हाई डेफिनेशन में अपलोड करी गई हो, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसी बढ़िया वीडियो लाते रहें। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं वियर्ड ब्लॉग्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम यूट्यूब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हुआ ये है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, लोग एक टाइम का खाना तो कम जरूर खा ले रहे हैं, बट YouTube और Facebook ये सब देखना नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से सर्वर पे काफ़ी बड़ा लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी सर्वर होल्डर्स को। तो इसकी वजह से YouTube ने एक फैसला लिया है, जब तक लॉकडाउन नहीं हट जाता तब तक आपकी सारी वीडियोस 480 से ऊपर नहीं चलेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। बाकी गाइस, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि जानकारी अगर पूरी ना हो तो जान लेवा भी। तो चलिए गाइस, जानते हैं जानकारी के बारे में क्या है ये और कब तक ये सॉल्व होगी और किस वजह से ये डिसीजन लिया गया और कहां कहां ये प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है यूट्यूब के द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये प्रॉब्लम और इसकी वजह से क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ रहा है और कब तक हो जाएगी ये प्रॉब्लम सॉल्व। पिछले 4 दिन से मैं इस प्रॉब्लम को लेकर खुद भी परेशान था, मेरी बहन भी इस प्रॉब्लम को लेकर काफी परेशान थी, हम दोनों सर्च कर रहे थे एक दूसरे, काफी लोगों ने वीडियो बनाई है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे। मगर मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, ये प्रॉब्लम आप चाहकर भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस ने ही क्रिएट करी है खुद से, और आप इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाली है। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको फ़ोन में दिखने में किस टाइप से लगती है। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन के लिए थे, वो मैं आपके लिए डाल रहा हूं, तो आप देखिए। गाइस, हो सकता है ये फीचर कुछ दिन के अंदर अंदर Amazon प्राइम और Netflix वगैरह पे भी आ जाए। अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो बाकी सारे वीडियो प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इन सब प्लेटफॉर्म पे वीडियो स्मूथली रन हो सके, इसलिए ये स्टेप YouTube ने लिया है। आप ये कहा गया है कि ये प्रॉब्लम लॉकडाउन के कुछ दिन बाद तक भी रह सकती है, 10 to 15 days आफ्टर लॉकडाउन तक ये प्रॉब्लम रह सकती है, मगर इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ये YouTube का दावा है। तो चलिए गाइस, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानते हैं कि YouTube ने इस प्रॉब्लम के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है। तो गाइस देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रॉब्लम है ये लॉकडाउन के कुछ 5 या 6 दिन बाद से आनी शुरू हुई है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है गाइस क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो काफी सारे जो वीडियो प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, तो यहाँ पे काफी ज्यादा सर्वर पे लोड पड़ रहा है क्योंकि सब लोग एक साथ वीडियोज देख रहे हैं। तो इस लोड को मिनिमाइज करने के लिए YouTube ने एक स्टेप लिया है, जिसके अंदर कि उसने स्टैंडर्ड डेफिनेशन अलाउ करा है। सिर्फ आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ही अपनी वीडियो को रन कर सकते हैं अपने फोन पे। अगर आप 480 से अबव अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे चाहकर भी। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सर्वर की वजह से ही क्रिएट करा गया है। तो मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है, जिसके अंदर मैंने वेस से एक सॉन्ग बजाया था, मर्सी, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलिए गाइस, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करते हैं। तो गाइस, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली बार जब भी मैं ऐसी कुछ वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहता हूं। चाहे गाइस आप वाईफाई भी यूज कर रहे हो फिर भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। और गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी कोई भी वीडियो अपने पीसी या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी, उसके अंदर आप 4K तक भी वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये, क्योंकि लोगों का नेट काफी यूज हो रहा था, लोग पूरे दिन घर में पड़े हुए हैं, लोग एक टाइम का खाना तो कम खा रहे हैं बट यूट्यूब और इंस्टा पे वीडियोस देखना कम नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए यूट्यूब ने डिसीजन लिया है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को सिर्फ 1.5 to 2 GB तक डेटा पर डे का मिलता है, डेली नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो काफी अच्छा फीचर है यूट्यूब का निकाला हुआ। तो गाइस, थोड़ा सा आपको क्वालिटी में कम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा, मगर आपको ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व जरूर हो जाएगी कुछ दिन के अंदर अंदर। तो गाइस, धन्यवाद मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।